नमस्कार दोस्तों, कहानियां हमारे जीवन को दिशा देती है, या कहिए कि हमारा मार्गदर्शन करती है। कुछ कहानियों से हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है और कुछ हमें सोचने पर विवश कर देती है। यह हम पर निर्भर है, हम कितनी शिद्दत से उसे सुनते हैं, साथ उसका कितना अनुसरण करते हैं। मैं कुमार अभिषेक ग्रेट इको वॉइस ओवर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सुनते रहे, धन्यवाद। सकारात्मक सोच की कहानी, ध्यान का रहस्य। जब सोचने की बात आती है तो ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या सोचना चाहिए। किसी भी सोच के दो पहलू होते हैं, एक विधेयात्मक, दूसरा नकारात्मक। दोनों का मतलब लगभग एक सा होता है, लेकिन इनका दिमाग पर असर ठीक उल्टा होता है। कैसे, तो आइए देखते हैं। एक बार की बात है, एक युवक ने ध्यान की बड़ी महिमा सुनी। उसने सुना कि ध्यान करने से मस्तिष्क की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अतः उसने ध्यान की विधि सीखने की ठानी। ध्यान की विधि सीखने की इच्छा से वह एक योगी के पास पहुंच गया। युवक ने योगी से बोला, गुरुजी, मुझे ध्यान की विधि सिखा दो। योगी जी बोले, अच्छा सिखा देंगे, पहले ये बताओ कि तुम्हें कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। युवक बोला, मुझे गाय और बंदर अच्छे लगते हैं। योगी जी बोले, कोई एक चुन लो। अब वो फंस गया, कभी गाय को सोचता है, कभी बंदर को सोचता है। वो सोच ही रहा था, काफी देर हो गई। तब योगी जी बोले, तो गाय का ध्यान करना, बंदर का मत करना। युवक घर गया और रोज ध्यान का अभ्यास करने लगा, लेकिन एक समस्या हो गई। वह जितना बंदर का ध्यान नहीं करने की कोशिश करता, उतना ही बंदर उसके ध्यान में आने लगा। वह परेशान हो गया, गाय तो उसके ध्यान में टिकती ही नहीं, बंदर ही बंदर आता रहता। 4-5 दिन बाद फिर से योगी जी के पास गया और बोला, गुरुजी, एक दुविधा है, जितना मैं बंदर का ध्यान नहीं करने की कोशिश करता हूँ, उतना ही बंदर मेरे ध्यान में आता है, गाय तो टिकती ही नहीं। योगी जी मुस्कुराए और बोले, तूने मेरी बात के विधेयात्मक पक्ष को पकड़ने के बजाय नकारात्मक पक्ष को पकड़ लिया। अगर तू गाय का ध्यान करना है इस बात को पकड़ लेता, तो गाय का ध्यान ही करता, लेकिन तूने बंदर का ध्यान नहीं करना इस बात को पकड़ लिया, इसलिए केवल बंदर का ध्यान ही आया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को हमेशा विधेयात्मक सोचना चाहिए। ध्यान का यही सूत्र है, क्या छोड़ना है इस पर ध्यान देने की बजाय क्या पकड़ना है इस पर ध्यान दिया जाए, तो हम बेहतर ध्यान कर पाएंगे। हमेशा विधेयात्मक चीजों का ही प्रचार करना चाहिए। बहुत सी बार सोशल मीडिया में लोग कुछ विद्रोहियों के बहकावे में आकर नकारात्मक चीजों का प्रचार करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वह सही कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम काफी हद तक जनमानस पर गलत होता है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान दे के सुनिए। सकारात्मक सोच की कहानी, सफलता का रहस्य। एक बार की बात है, एक गांव में प्रज्ञा प्रकाश नाम के एक विद्वान महोदय रहते थे। धन धान्य से संपन्न तो थे ही, लेकिन ज्ञान उनके पास इतना था कि दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान करने उनके पास आते थे। अपने अनुभव ज्ञान से प्रज्ञा प्रकाश लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, इसलिए सभी उनको गुरुजी कहकर संबोधित करते थे। एक दिन की बात है, एक नवयुवक गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुजी, मुझे सफलता का रहस्य बताइए, मैं चाहता हूं कि मैं भी आपकी तरह विद्वान बनकर अपनी गरीबी दूर कर सकूं। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने उसे दूसरे दिन प्रातःकाल नदी किनारे मिलने के लिए बुलाया। युवक को भी नहाना था, इसलिए वह भी अपने वस्त्र लेकर दूसरे दिन प्रातःकाल नदी किनारे पहुंच गया। गुरुजी उस युवक को नदी के गहरे पानी में ले गए और जहां पानी गले से ऊपर निकल गया तो उन्होंने उसे डुबो दिया। थोड़ी देर युवक छटपटाया, फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया। युवक हाँफता हाँफता नदी से बाहर भागा। जब उसे सुध आई तो बोला, आप मुझे मारना क्यों चाहते हैं? गुरुजी बोले, नहीं भाई, मैं तुम्हें सफलता का रहस्य बता रहा था। अच्छा बताओ, जब मैंने तुम्हारी गर्दन पानी में डुबो दी थी, उस समय तुम्हें सबसे ज्यादा इच्छा किस चीज की हो रही थी? युवक बोला, सांस लेने की। गुरुजी बोले, बस यही सफलता का रहस्य है,
जब तुम्हें सफलता के लिए ऐसी ही उत्कंठ इच्छा होगी तब तुम्हें सफलता मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई रहस्य नहीं है। दोस्तों, आप जीवन में किसी भी चीज को पाना चाहते हैं तो उसे आपका बे इंतहा चाहना जरूरी है। मतलब हर समय आपको उसे पाने के बारे में सोचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो शायद आप उसे देर से पाओ या शायद ना भी पा सको।